जब भी माला गुथेगी कहीं प्यार की, जो समय की सुमन है चुनेगा। हम लोग यहाँ बैठ करके आप लोगों ने वंदना की होगी, दृश्य याद आता होगा, बैठ कर वंदना की है। आज हम लोग यहीं से, ये हमारे जीवन के निर्माण की कार्यशाला है विद्यालय, यहाँ से पढ़ करके बाहर निकल करके आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज हमारे पूर्व छात्र गौरवान्वित हैं और महिमा मंडित हैं और देश के स्वाभिमान बनकर के उभर रहे हैं। अभी हमने एक पूर्व छात्रों का कार्यक्रम हुआ था ग्वालियर में, आज के 7-8 साल पहले अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम था, गया था। जब वहाँ का दृश्य देखा तो मैंने कहा कि जितनी भी प्रतिभाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनमें से कहा जाए अतृप्ति नहीं होगी कि 80% अपने पूर्व छात्र किसी राजनीतिक दबाव के कारण, सत्ता के कारण बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अधिकांश अपने पूर्व छात्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं, विभिन्न पदों पर आज सुशोभित हैं। अपने कोच में एक पढ़ा हुआ, अपना ही कोच विद्या मंदिर से पढ़े, उस मंदिर से पढ़े हुए अपने एक छात्र, रेलवे चयन बोर्ड में समय वर्तमान में अध्यक्ष चयन बोर्ड, ऐसे कई हमें भी मालूम है जो बड़े बड़े पदों पर आई एस PCS बड़े बड़े पदों पर हैं, जज हैं। तो आज प्रतिभाएं, प्रतिभाशाली छात्र, हमारे प्रतिभाशाली पूर्व छात्र आज देश की दिशा और दशा तय करने के लिए सक्षम, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो राजनीतिक पद हों, चाहे वो प्रशासनिक पद हों, चाहे वो मार्गदर्शन के पद हों, तो कहते हैं मार्गदर्शक पद हों, कुटुंब प्रबोधन की बात हो, समाज प्रबोधन की बात हो, राष्ट्र प्रबोधन की बात हो, वहाँ हमारे पूर्व छात्र आपको मिले, ये हम लोगों को गर्व होता है, गौरव होता है। उनकी सरहद पर मांगे के हथियार लड़ते हैं, हमारी सरहद पर संस्कृति और संस्कार लड़ते हैं हमारे। अब वो क्यों लड़ते हैं, क्या है विषय, उसको संक्षेप में आप लोगों के बीच, आप लोगों के बीच में एक संक्षेप में आज चमचम कर रहे हैं, कोई भाषण नहीं है, ये केवल एक हम लोगों की आपस की चर्चा कह लें, विचार संगोष्ठी कह लें। वो इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में दो पक्ष होते हैं, एक हृदय पक्ष, एक मस्तिष्क पक्ष। अन्य विद्यालयों में केवल मस्तिष्क पक्ष का विकास किया जाता है। मस्तिष्क पक्ष से आप समझ रहे होंगे विषय का ज्ञान, विषय में तज्ञता उत्पन्न करना, विषय में सज्जता उत्पन्न करना, और उनको ज्ञानी बनाना, विषय विशेषज्ञ बनाना, विषय में सज्जता हासिल करने का कौशल सिखाना, ये पक्ष हो गया। सामान्य पक्ष जो अपने विद्यालयों में चलता है, अन्य विद्यालयों में पूरे देश में चलता है, लेकिन अपने विद्या भारती के भारतीय शिक्षण संस्थान के अंतर्गत मस्तिष्क पक्ष के साथ साथ महत्वपूर्ण पक्ष है वो हृदय पक्ष है। हृदय पक्ष का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ रहे होंगे, चाहे वो इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो, या PCS IAS हो, उनके निर्माण में कितना व्यय होता है, शासन का भी, व्यक्तिगत अभावक का भी। लेकिन वो अन्य स्थानों पर जैसे चिकित्सक है, जब डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करके समाज क्षेत्र में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें सुख सुविधाओं वाला स्थान मिले। क्या हृदय में ये भावना नहीं होती है कि नर सेवा, नारायण सेवा, दंत भावना करने का अवसर मिले? कभी इंडियन क्षेत्रों में जहाँ हमारे चिकित्सालय नहीं है, जब तक लोग शहर में आते हैं तब तक दम तोड़ देते हैं, वहाँ जाकर के गरीब दीनहीन लोगों की सेवा करने का अवसर मिले? ये जो पूर्व छात्र परिषद विद्या भारती के संस्थानों पढ़े हुए छात्रों के मन में स्वाभाविक रूप से ये विषय आता है, नर सेवा, नारायण सेवा, जहाँ अपेक्षित और उपस्थित हम देश, समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। जब जब भी कोई घटना होती है, पूर्व छात्र हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हो या विद्या भारती के अपने कार्यकर्ता हो, वो सब संकटों में सबसे आगे पहुँच करके एक पथ प्रदर्शक के रूप में समाज में खड़े होते हैं। कहते हैं कोई भी विचार हो, सबसे पहला कालखंड, तीन कालखंड आते हैं जीवन में। पहला कालखंड आता है उपहास का, दूसरा कालखंड आता है संघर्ष का, और तीसरा कालखंड आता है विजय ही विजय है, जब समाज में स्वीकार करता है, समाज हमारे पदचिन्हों पर चलता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में, धरती पर पूजा जाता है। आज विद्या भारती
कि पूर्व छात्र प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं, वैज्ञानिक हों, नीति निर्धारक हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, हर क्षेत्र में विद्वान हों, प्रचारक हों,